इस वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड के मौसम के बारे में बताएंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड में लगातार दो रात और डेढ़ दिन से लगभग बारिश हो रही है, जिसके चलते उत्तराखंड में जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद मैं आपको पिंडर नदी का दृश्य दिखा रहा हूँ। पिंडर नदी का दृश्य देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि उत्तराखंड में बारिश किस कदर हो रही थी। हालांकि इस वक्त बारिश रुक गई है, लेकिन बारिश के रुकने के बाद आप पुल के दोनों तरफ जो सुरक्षा दीवारें बनी हैं उनको देख सकते हैं। जो सुरक्षा दीवारें बनी हैं उनके आसपास पानी पहुंच चुका है। दूर में दृश्य आपको दिखाता हूँ, देखिए नदी में जो पानी का रंग है वो भी पूरी तरीके से मटमैला हो चुका है। नदी में बहुत सारे पेड़ और मिट्टी बहकर आ रही है। हालांकि 36 घंटे से भी ज़्यादा की बारिश के दौरान उत्तराखंड में जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित रहा, यातायात कई जगह प्रभावित रहा। आज सोमवार के दिन जब विद्यार्थियों को स्कूल जाना था, उस वक्त भी भारी बारिश हो रही थी, जिसके चलते अधिकांश बच्चे अपने विद्यालय तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन 36 घंटे से ज़्यादा की बरसात के बाद अब जाकर कहीं मौसम से राहत मिली है। अब आसमान देखिए थोड़ा साफ हो गया है और सूर्य देवता ने भी अपनी उपस्थिति दे दी है। लगभग 2 बजे का समय है और अब सूर्य देवता ने अपनी उपस्थिति दी है डेढ़ दिन के बाद और दो रात लगातार बारिश होने के बाद। तो अब जाकर कहीं उत्तराखंड में जो लोग हैं उनको चैन की सांस मिल रही है। हालांकि ये मौसम कितने देर ऐसे ही साफ रहेगा, इस बात का अंदाज़ा या प्रयास लगा पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन बारिश बहुत तेज़ हुई थी और बारिश के बाद जो पिंडर नदी का जल स्तर है वो भी काफ़ी बड़ा है। और ऐसे में पिंडर नदी के समीप रहने वाले सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि वो नदियों से उचित दूराई बना के रखें, नदियों से सावधान रहें और लगातार जो बारिश हो रही है उससे रात के वक्त सावधान रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सावधान रहने के लिए ज़रूर कहें। शासन और प्रशासन की मदद करें ताकि अपने आसपास किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो पाए। और हाँ, ऐसे मौसम में बहुत सारे लोग गलत जानकारियाँ सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, तो गलत जानकारियाँ देने से ज़रूर बचें ताकि किसी प्रकार की अफरा तफरी ना हो, जिससे जो स्थानीय निवासी हैं, उत्तराखंड की जो जनता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुँचे और गलत संदेश लोगों तक ना पहुँचे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही जो मौसम से जुड़ा हुआ था। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मौसम से जुड़ी ऐसी जानकारी और पिंडर नदी के समीप रहने वाले लोगों के लिए ऐसी जानकारी हम समय समय पर लेकर आते रहें। आप सभी साथियों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।